द्वारा 29वां अंतर्राष्ट्रीय मैनेजमेंट कॉन्क्लेव आयोजन 17 व 18 जनवरी को अभय प्रशाल में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत 2022 तक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखता है, उस पर चर्चा की जाएगी। जानकारी देते हुए कॉन्क्लेव चेयरमैन हिमांशु राय ने बताया कि दो दिवसीय कॉन्क्लेव में कई जाने माने विशेषज्ञ अपनी राय देंगे। उन्होंने यह भी बताया कि यह समझना अनिवार्य है कि अभी हम किस स्थिति में हैं और 2022 तक लक्ष्य तक कैसे पहुंचे। 2019 के अंत भारतीय अर्थव्यवस्था $2.9 ट्रिलियन तक पहुंचे। लक्ष्य पाने के लिए अगले 3 वर्षों में $2.1 ट्रिलियन और चाहिए, जबकि विकास दर के संदर्भ में यह 20% प्रतिवर्ष की वास्तविक GDP दर है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले कॉन्क्लेव में उद्योग 4.0 के लिए चुनौतियां तथा उनके समाधान के लिए विस्तृत चर्चा और विचार विमर्श किया गया था। कॉन्क्लेव के दौरान एक बार फिर इंदौर स्वच्छता में चौथी बार कैसे नंबर बनाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। इसके लिए मुझे लगता है कि गंभीर परिचर्चा की बात है, तो इसलिए इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया है कि हम पैरेलल ट्रैक रखेंगे। कुछ ट्रैक होंगे जो सेक्टर के बेसिस पे होंगे कि एग्रीकल्चर में क्या करना चाहिए, बिजनेस में क्या करना चाहिए, लॉजिस्टिक्स में क्या करना चाहिए, फार्मास्यूटिकल्स में क्या करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में क्या करना चाहिए। उसके अलावा हम अन्य स्पीकर्स को भी लाएंगे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से होंगे, डिफेंस से होंगे, पॉलिटिक्स से होंगे, फिल्म इंडस्ट्री से होंगे, स्पिरिचुअलिटी से होंगे, ताकि सब मिल करके हम लोग ये जान हमें ये समझना चाहिए कि एक तो बाहर कुछ जो भी हो रहा है उससे हम अछूते नहीं है, और साथ ही अगर हम किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर निवेश करते हैं या उसके ऊपर ध्यान देते हैं तो उसका बाकी जो सेक्टर्स हैं वो भी उससे अछूते नहीं है। तो इसलिए जब हम सब लोगों को एक साथ एकत्रित करके उसके बाद मंथन करेंगे, उसके बाद जो उससे सोल्यूशंस निकलेंगे, मेरे ख्याल से वो ज्यादा सस्टेनेबल सोल्यूशंस है। तो हमारे 2-3 यहाँ पे मुख्य चीजें हैं। नंबर 1, ये जो हमारे पैनल ट्रैक्स हैं जहाँ पे पैनल डिस्कशंस होंगे और स्पीकर्स होंगे उन पर्टिकुलर ट्रैक्स पे, साथ ही हमारी पैनल वर्कशॉप चलेंगी जहाँ पे जो कॉलेज के छात्र एवं छात्राएं हैं और जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि खुद उद्योगपति बनना चाहते हैं, उनके लिए हम वर्कशॉप करेंगे और उनको उन लोगों से भी मिलवाएंगे जो कि निवेश करना चाहते हैं। तो एक तरह का एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे हमारे आगामी फ्यूचर के भविष्य के जो उद्योगपति हैं वो और जो निवेश लगाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, वो उनको हम एक साथ मिलाएंगे। और उसके बाद जो भी हम लोग करेंगे ये 2 दिन के अंदर, जो भी वार्तालाप होगा, जो भी चर्चा होगी, उसका जो निष्कर्ष निकलेगा उसका हम लोग एक व्हाइट पेपर बनाएंगे, उसका हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसको हम सरकार के सामने रखेंगे, और तत्पश्चात यदि सरकार को उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके एग्जीक्यूशन के लिए भी अगर हमारी आवश्यकता होगी तो उसको भी हम लोग सहयोग देंगे। तो बेसिकली दिस इज आवर स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग द नेशन। मैं प्रोफेसर हिमांशु राय, आई एम इंदौर का डायरेक्टर हूँ और इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन के एनुअल कॉन्क्लेव का चेयरपर्सन हूँ।